वाराणसी में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की 81वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। सपा के मुखिया के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर केक काटा और एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताजी के उद्देश्यों को आदर्श के रूप में अपनाने उनके द्वारा बताए गए गरीबों के लिए समाज सेवा को बहुमूल्य मंत्र बताया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोहिया समाज के मानने वाले हैं और हमारी पार्टी में भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार यादव ने की। इस कार्यक्रम के बतौर अतिथि आनंद मोहन गुड्डू शामिल रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से साल के 365 दिन को मद्देनजर रखते हुए 365 कंबल का वितरण किया गया। पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, किसानों, नौजवानों के मसीहा, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले देश के सबसे बड़े रक्षा मंत्री, सबसे ऐतिहासिक रक्षा मंत्री, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हमारे नेताजी 81 बरस के हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने बड़ा सा विशाल केक काट करके और यहाँ पर गरीबों को, अपने जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं वो सब लोग मिल करके यहाँ पे गरीब महिलाओं को आज नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कंबल वितरित कर रहे हैं और उनका जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं। 365 कंबल, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि लगातार पिछले 10 वर्षों से ये कंबल वितरण का काम हम लोग कर रहे हैं और हर साल माननीय नेताजी के जन्मदिन पर 365 कंबल बांटने का काम हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता लोग करते हैं।